आज हम आपको ऐसे एक गांव ले चलेंगे जहां पर जनप्रतिनिधि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीन बार से वहां के प्रधान हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने गांव के लिए लगातार विकास के कार्य कराने की बात कहते रहते हैं। उनका कहना है कि गांव हमारा है, इसका विकास कराना ही हमारा कर्तव्य है और ये हमारी ड्यूटी भी है। सरकार जो भी आदेश करेगी उसी आदेश के अनुसार विकास के कार्य कराए जाएंगे, लेकिन पैसा तो सभी विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वो गांव के लिए पैसा मुहैया कराती रहे ताकि विकास के कार्य होते रहें। इसके अलावा जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों का भी यही कहना था कि ग्राम प्रधान की आदत और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि जिसके कारण वो लगातार 15 वर्षों से यहाँ के ग्राम प्रधान बने हुए हैं। मेरा नाम अमरपाल सिंह है, ग्राम पंचायत मेरी मानपुर पट्टी है, ब्लॉक व थाना मुंडा पांडे है, तहसील व जिला मुरादाबाद है, यूपी के रहने वाले हैं। मेरे गांव में जो मैंने कार्य कराए हैं, सीसी, एल्स, खरंजे, नल रोड, नल मरम्मत, कच्ची सड़कें, शौचालय, आवास, जो मैंने आदि कराए हैं और सही ठीक कराए हैं। ठेकेदार जो काम कराते हैं उनसे प्रधान 100 गुना अच्छा कराता है, मगर ठेकेदार को ज़्यादातर गवर्नमेंट भी अच्छा मानती है और प्रधान के लिए इतना बढ़िया नहीं मानती। जो प्रधान जनप्रतिनिधि है उसको गांव में रहना है, वो अपने काम ठीक करना है तो आगे उसे इलेक्शन लड़ना है, फिर उसका गांव है, गांव के अपने गांव की वजह से अच्छा ठीक काम करता है, फिर गांव की जो आबादी है वो अपनी है। हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, आज तक इतना अच्छा काम किसी प्रधान ने नहीं कराया अभी तक। 15 साल फिलहाल इन्होंने प्रधान करते हुए हो गए और मतलब लोगों के बीच इनका बहुत अच्छा सम्मान है और अच्छे कार्य भी किए हैं। गांव मेरा मानपुर पट्टी है जी। और ये हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा विकास कराए इन्होंने और तुम्हारे की आवास व्यवास वगैरह बना रहे हैं और शौचालय वगैरह भी बनाए हैं, नल वगैरह भी लगवाए हैं, लाइट वगैरह भी लगवाई हैं।